हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक आप जानते हैं, एक वीडियो थर्ड पार्टी के ऊपर होती है। तो आज जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आगे क्या कदम, थर्ड पार्टी का आगे अगला कदम क्या होगा। जी हाँ, थर्ड पार्टी का अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। गाइस, कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइम की इसमें कोई पाबंदी नहीं, जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी, जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके लिए क्या कार्ड निकालते हैं और आपका भविष्य क्या कहता है। क्या थर्ड पार्टी आगे आपके पर्सन को छोड़ के जाएगी, या और आतंक मचाएगी, या खुद ब खुद अकल आ जाएगी, उसके कर्मों की उसे सजा मिल जाएगी। कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? द एम्प्रेस। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, थर्ड पार्टी काफी बुरी तरह इन्वॉल्व है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लीजिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनकी भी रानी आएगी, चिंता मत करो। वेरी गुड। व्हील ऑफ फॉर्चून, लीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेथ का कार्ड है बॉटम में, द बॉटम ऑफ डेथ, डेथ का कार्ड। गाइस, यहाँ अगर एलिमेंट की बात की जाए, साइन की बात की जाए, तो यहाँ अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, लेकिन वाटर साइन नहीं है। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, और नंबर, जी हाँ, यही इम्पोर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बताती हूँ आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट में बात की जाए तो नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 3 बार रिपीट हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 3 बार इम्पोर्टेंट हो रखा हुआ है। हो सकता है आपका 26 भी इम्पोर्टेंट हो और 39 भी इम्पोर्टेंट हो। अगर 14 की बात की जाए तो 14 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी 2 बार
रिपीट हुआ है, यानी कि आपका 14 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, साथ में 28 भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस डेट को, ये जो मैंने नंबर बताए हैं, ये नंबर आपके बर्थडे डेट हो सकती है या कुछ खास यादें हो सकती है इन डेट्स को जो आप अपने तक रखना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है जो 14 नंबर है, 14 फैब को आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, और ये भी हो सकता है कि कैंडल लाइट डिनर कराओ, कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। थर्ड पार्टी आगे को नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। गाइस, अगर आपके रिश्ते की बात की जाए, थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम जो है फैमिली कार्ड्स में आई है, फैमिली आई है। जब आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते में थे तो आपका रिश्ता भले ही चल रहा था पर उतना अच्छा जैसा ये नए नए चला था वैसा नहीं चला, काफ़ी टाइम से ये सही नहीं था, क्योंकि आपके पर्सन के जो हाव भाव या बातचीत या पहले जैसा गुड रिजल्ट उनमें आपको नहीं देखने में मिलता था। कई बार आता था कि वो आपको टाइम नहीं देते थे, बिजी बिजी कर कह के साइड हो जाते थे, हैं कभी कभी आपको लगता है था कि ये पर्सन सही नहीं है, फिर आप अपनी एक अच्छी सी एंट्री मारते थे, फिर आप उनके स्टक हो जाते थे। जब आपके रिश्ते में था ये चीज़ें चली है, इन एंड आउट की कंडीशन में आपके पर्सन रहते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने आके वो भी चीज़ें जो है आपकी ख़त्म कर दी। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, और फैमिली जो होती है आपको पता है काफ़ी मायने रखती है चीज़ें आगे ले जाने के लिए। ये जो पर्सन है गाइस, ये जो पर्सन है, ये आपके पर्सन काफ़ी नेगेटिविटी में गिरे हुए हैं, इनके आसपास जो भी है सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव है। थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का रिश्ता जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसमें कहा जाए, अगर इनका कोई क्रश भी हो सकता है, एम्प्रेस का कार्ड आया, तो इनका ऐसा रिश्ता नहीं चल रहा कि जैसा कही जाए कि लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है। देखिए यहाँ ना तो कोई टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ना ही कोई किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बस गाड़ी चल रही है तो चल रही है, लेकिन थर्ड पार्टी जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बिल्कुल भी लगाव नहीं है, कहीं भी कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, और थर्ड पार्टी चाहती है कि वो आपके पर्सन में बदलाव लाए ताकि आपके पर्सन जो है उसके फेवर में आ जाएं। वो चाहती है आपके पर्सन को कंट्रोल करना, ये चाहती है कि उसके अनुसार चलें और ये पर्सन दोबारा से फिर आपकी तरफ ना आए, क्योंकि इस बात को थर्ड पार्टी अच्छी तरह जानती है कि पर्सन जो है आपके लगाव नहीं करते उससे, इसलिए कई तरह के हथकंडे भी आजमाती है। वो चाहती है कि ये जो पर्सन है इसमें बदलाव आ जाए, और जैसे ही इनमें बदलाव आएगा तो सारे रिश्तों में बदलाव आएगा, सभी चीज़ें बदली जाएंगी और फिर ये पर्सन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी अपने कई रंग दिखा रही है, कई चीज़ें सोच रही है, लेकिन उसके मन मुताबिक होता हुआ कुछ कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जहां मैंने आपको कहा कि पर्सन जो है काफ़ी नेगेटिविटी में गिरे हुए हैं, वहां देखिए ये कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या है ये सारे जोड़ों के कपल के कार्ड है, ये सारे कपल के कार्ड है, और ये चीज़ें ये बताती हैं कि ये पर्सन लौट के आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी का जो नेक्स्ट कदम होगा उसका कदम यही होगा कि आपके पर्सन में बदलाव लाना, चाहे वो किसी भी तरह का हो। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग भी होगी, शुरुआत होगी। डेथ का कार्ड बताता है कि रिश्ता आपका काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, भले ही आप उम्मीद लगा के बैठे हो,
दुखी भी रहते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोबारा से बॉटम ऑफ डेक का ये भी बताता है, ये दोबारा से आपकी चीज़ें जो है शुरू होगी। लेकिन थर्ड पार्टी का नेक्स्ट स्टेप होगा सिर्फ आपके पर्सन की तरफ नेगेटिविटी फैलाना और उसको काबू करना। वो चाहती है कि आपके पर्सन सदा के लिए उसी के पास, उसी के होके रह जाएं, उसी के कंट्रोल में रह जाएं, उसी के अनुसार चलें, अपनी मनमर्जी बिल्कुल भी ना करें। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि टाइम खराब चल रहा है, और जहाँ आपका टाइम खराब चल रहा है वहाँ थर्ड पार्टी का अच्छा चल रहा है। जैसे ही आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा तो थर्ड पार्टी का जो है खराब होना शुरू हो जाएगा। आप इस टाइम इतने दुखी हो, आपको लगता है कि इन समस्याएं, इन परेशानियों का, इन प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं है, तो गाइस हल है, क्योंकि यहाँ जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये सिर्फ आप ही के लिए है कि आपकी चीज़ें आने वाले टाइम पे दोबारा से फिर शुरू हो सकती है और आने वाला टाइम आपके लिए और बेटर होगा। लेकिन इस टाइम आपके जो पर्सन है पूरी तरह नेगेटिविटी में, थर्ड पार्टी में गिरे हुए हैं और उनका ध्यान बिजनेस और कैरियर में है। अगर मैं कहूँ कि वो इंसान आपकी तरफ सोच रहा है या कुछ समझ रहा है या पास्ट में है, तो उन चीज़ों में नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनका दिमाग काफ़ी ख़राब कर रखा है, इसलिए उनको सोचने समझने का टाइम ही नहीं है। वो उसी चीज़ों में घिरे पड़े हैं, जो चीज़ें थर्ड पार्टी उनको दिखाती है वही उनको नज़र आती है, परेशान रहते हैं वो बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे बढ़ते हुए डरते हैं। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट कदम क्या है? थर्ड पार्टी का नेक्स्ट कदम यही है कि आपके पर्सन को अब नेगेटिविटी चारों तरफ दिखा के, अच्छी चीज़ों को भी बुरा साबित करके, अपने कंट्रोल में करके, अपने अकॉर्डिंग चलाने का। ये है बोर्ड। चलिए देखते हैं ये पर्सन एक्शन लेंगे। तो गाइस कार्ड आए हैं ये फोर ऑफ पेंटिकल, जजमेंट और पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपको लेके काफ़ी आपके लिए सीरियस है, अंदर ही अंदर पजेसिव है। भले ही इस टाइम इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी परेशानी है, लेकिन आपके लिए पजेसिव है और आने वाले टाइम पे आपके साथ एक बार फिर से न्यू बिगिनिंग शुरू करेंगे। टाइम कितना लगेगा देखते हैं। गाइज 8 वीक से 9 मंथ तक कभी भी ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज है और वो जानते हैं अच्छी तरह कि आप उनके फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन की क्या एडवाइस है। लीजिए आपका तो कार्ड बहुत प्यारा आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का यानी कि एक्शन का कार्ड आया है। डिवाइन कह रहे हैं जल्दबाजी किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं है, जल्दबाजी से चीज़ें खराब हो जाएंगी। जब भी ये पर्सन आए
आपने सोच समझ के रिश्ते को आगे बढ़ाना है और अच्छे से तभी चलेगा। और आप नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग सारा ध्यान अपने पर्सन में मत लगाइए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों के बारे में सोचिए, ताकि उनके भी रास्ते में जो ब्लॉकेज हैं सारी ब्लॉकेज खुल जाएं। जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे, उनके आसपास जो नेगेटिविटी है, उनके आसपास जो थर्ड पार्टी का जाल बिछा हुआ है, धीरे धीरे वो कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल के अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।